जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनी व्यू से लोन कैसे ले। तो इसके लिए आपको मनी व्यू ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद सारे को परमिशन दे देना है, फिर उसके बाद अपना मेल आईडी इसमें देना है। मेल आईडी डालने के बाद आपको इसमें नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर पहले अपना पहला नाम डालना है, फिर उसके बाद मिडिल नेम डालना है, फिर उसके बाद लास्ट नेम डालना है, फिर उसके बाद आप कितने क्लास तक पढ़े हुए हैं। यदि आप हायर सेकेंडरी तक पढ़े तो हायर सेकेंडरी डालेंगे, या आप उससे ज़्यादा पढ़े हैं तो वो सब डालेंगे। फिर एजुकेशन चूज़ करने के बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि आप काम करते हैं या खुद का बिजनेस है। तो यदि आप खुद दूसरे काम करते हैं आप सैलरी डालेंगे, यदि आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे। फिर उसके बाद पूछा जाएगा आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो आप मंथली इनकम अपना डालेंगे। फिर मंथली इनकम डालने के बाद पूछा जाएगा आप साल का कितना, 3 लाख रुपए कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं। तो यदि कम कमाते हैं तो लेस देन डालेंगे, यदि ज़्यादा कमाते हैं तो मोर देन डालेंगे। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी कैसे आती है, ऑनलाइन आती है या चेक आती है या कैश आती है। तो आपका जैसे आता होगा वो चूज़ करेंगे। फिर चूज़ करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। गेट ऑफर पे क्लिक करने के बाद ये हमारा लोडिंग हो रहा है, हम देखा देते। तो हमारा जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें मैंने अपना कैश डाला था और साथ ही अपना जो मंथली इनकम है वो 13,000 रुपये डाला था, तो इसीलिए मेरा जो है लोन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यदि आपको इससे लोन चाहिए तो आप अपना 15,000 से ऊपर ही डालें।